हेलो नमस्ते, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम लोग आए हैं चिंचपोकली, और चिंचपोकली इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि आप में से काफ़ी सारे भाई जो थे वो कमेंट कर रहे थे, भाई आप जो है चिंचपोकली जाओ, वहाँ पे जो चिंतामणि उनका कैसा मंडप चल रहा है, क्या सजावट चल रहा है प्रॉपर में मैं दिखाओ आप। तो आज हम लोग फाइनली आ गए हैं और पहुँच गए हैं, एकदम पास ही में हैं। चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं क्या वहाँ पे सजावट चल रहा है और कितना सज गया है, कितना अभी बाकी है। तो चलिए और प्रॉपर वे में आप लोग को पूरा दिखाएंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग जो है फाइनली यहाँ पे आ गए हैं और ऐसा कुछ वर्क चल रहा है, ये आप लोग देख सकते हो पीछे बिल्डिंग वगैरह का वर्क चल रहा है। तो चलिए और वहाँ पे पास में चल के आप लोग को प्रॉपर वे में दिखाते हैं कैसा कितना सजावट हुआ, सब कुछ आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, अगर आप लोग आते हो तो इधर से भी आ सकते हो, ऐसा जो है, ब्रिज के नीचे से आ सकते हो। जैसे आप लोग आओगे तो ये है पूरा, देख सकते हो आप लोग मंडप अभी बन गया है और बड़े बड़े बांस बल्ली ऐसा जो है लगा के लोग बना रहे हैं इसको, देख सकते हो कितना बड़ा है। और इधर रस्सियाँ टूल सब कुछ ऐसा रखा गया है, आप लोग देख सकते हो कितनी सारी रस्सियाँ हैं यहाँ पे। और दिखाते हैं आप लोग को ये बांस बल्ली, बाकी अंदर अभी चलेंगे हम लोग थोड़ा। ये है कुछ, आप लोग देख सकते हो ऐसा दिखा देते हैं प्रॉपर वे में आप लोग को ऐसा कितना बड़ा जो है इसको सजाया जा रहा है अभी से। और ऐसा देख सकते हो आप लोग जो है लगभग 50% जो है यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो गया है। ऐसा आप लोग देख सकते हो पूरा साइड में जो है मंडप है ना, इसको बना दिए हैं लोग, ऐसा देख सकते हो आप लोग। और ऊपर का देख सकते हो तो कितना भव्य, और इधर भी ऐसा जो है दो ऐसा बनाया गया टीन का। और ये है पूरा दृश्य आप लोग यहाँ का देख सकते हो। और दिखाते हैं आप लोग को ये, एक भाई से मैंने पता किया था तो वो बता रहे थे जो है मूर्ति को यहीं पे ऐसा जो है बैठाया जाएगा, जब मूर्ति आएगी ना तो यहीं पे बैठाएंगे लोग। और इधर भी ऐसा है कुछ, और ये देखिए ये शायद वो जो मूर्ति रहेगी ना उसके जो है पीछे का बैकग्राउंड है, ऐसा देख सकते हो आप लोग। और ये भी ऐसा कलश शायद इससे बनाएंगे इसके कलश। और बाकी ऐसा देख सकते हो कितने सारे जो है ऐसे इनको बनाने के लिए ऐसा लोग तीन वगैरह रखे हैं, और इधर पाइप, और इधर देखिए बेल्डिंग का वर्क चल रहा है, भाई लोग कर रहे हैं। ये है बेल्डिंग वगैरह प्रॉपर वे में यहाँ पे किया जा रहा है। भाई अभी कितना दिन लगेगा पूरा बनने में, पूरा मंडप रेडी होने में कितना दिन लगेगा अभी नहीं पता ना, तो भाई को अभी पता नहीं है कितना दिन पूरा लगेगा। बाकी आप लोग देख सकते हो, और बीच बीच में मैं आया करूंगा आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा कितना रेडी हुआ, क्या कैसा वर्क चल रहा है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि पार्ट टू आना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे देखिए ना बल्ब वगैरह प्रॉपर वे में सब कुछ लगाया गया है, क्योंकि हो सकता है रात में भी ऐसा वर्क वगैरह करते होंगे लोग, तो इसीलिए जो है बल्ब वगैरह प्रॉपर वे में लगाए हैं। बाकी ये है पूरा, आप लोग देख सकते हो, और भी चीज़ में आप लोग को अपडेट मैं देता रहूँगा। और अभी आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ का जो मूर्ति है ना इनको जो है बकरी अड्डा वहाँ पे कारखाना है ना, तो वहीं पे बना रहे लोग, मैंने पता किया तो बताएं वहीं पे बन रही है। पर जो भी यहाँ पे गणपति इनको स्थापित किया जाएगा तब भी हम लोग आएंगे यहाँ पे, ब्लॉग वगैरह बनाएंगे आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले मिल जाए, तो नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूलें। तो ये था आज का अपडेट, आप लोग देख सकते हो ऐसा पूरा है, पूरा वर्क चल रहा है प्रॉपर वे में। आप लोग भी कमेंट कर रहे थे भाई जाओ वहाँ पे दिखाओ क्या है कैसा वर्क चल रहा है, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आए और प्रॉपर में आप लोग को दिखलाने की कोशिश की है, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ऐसा कुछ है, प्रॉपर वर्क चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। नहीं भाई ऐसा है। तो अभी ये भाई लोग हैं, इनसे पता करते हैं कितना दिन लगेगा अभी। भाई कितना दिन लगेगा इसको बनाने में पूरा, लगभग बोल दीजिए कितना दिन लगेगा बताओ ना कोई। तो 8 से 10 दिन लग जाएगा ना लगभग।
8 से 10 दिन लगेगा ऐसा बता रहे हैं, और काम चल रहा है भाई, काफ़ी ज़ोर शोर से लोग कर रहे हैं, और 10 से 15 लोग हैं बाकी ऐसा आप लोग देख सकते हो फटाफट कर रहे हैं। 8 से 10 दिन में प्रॉपर वे में वर्क हो जाएगा ना, तो उसके बाद भी हम लोग आएंगे, पार्ट टू करेंगे इसका। और ये है, आप लोग देखिए चिंतामणि का लोगो है, दिखा देते हैं आप लोग को प्रॉपर वे में। ये ऐसा है, आप लोग देख सकते हो, तो इधर ऊपर ना बड़ा सा ऐसा बोर्ड लगा दिया गया है, ऐसा ढक गया है, देख सकते हो आप लोग। बाकी हमने करीब से जाके आप लोग को दिखलाया है, और ये है ऐसा पूरा यहाँ का प्रॉपर ड्रेस। बाकी यही था, प्रॉपर वे में हम लोगों ने देखा क्या सजावट चल रहा है, कैसा वर्क चल रहा है, प्रॉपर वे में हम लोगों ने देख लिया। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आगे भी कहाँ का ब्लॉग वगैरह देखना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।